बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति पटना के आह्वान पर लगातार चौथे दिन भी प्रखंड संसाधन केंद्र सुपौल के सामने काली मंदिर परिसर में अनिश्चितकालीन धरना पर डटे रहे सभी हड़ताली शिक्षक शिक्षिकाएं। धरना कार्यक्रम में उपस्थित हड़ताली शिक्षकों ने एक स्वर में फर्जी मुकदमा वापस लेने तथा अन्य शिक्षकों पर विभाग द्वारा किए जा रहे धनात्मक कार्रवाई की पुरजोर विरोध करते हुए अपनी मांगों को पूर्ण होने तक मजबूती से इस लड़ाई को जारी रखने का संकल्प लिया। शिक्षकों को संबोधित करते हुए संघर्ष समिति के प्रखंड संयोजक गजेंद्र प्रसाद सिंह व सचिव मंडल के सदस्य राजेश कुमार महतो ने कहा कि फर्जी मुकदमा सहित सरकार के द्वारा शिक्षकों के ऊपर किसी भी प्रकार का दंडात्मक आदेश का प्रतिकार करते हैं। शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के अध्यक्ष मंडल सदस्य पंकज सिंह एवं पंकज कुमार जायसवाल ने कहा कि सरकार इस लड़ाई से घबरा कर अपने नाकामियों को छुपाने के लिए हड़ताली शिक्षकों के विरुद्ध प्रतिदिन नए नए फरमान जारी कर रही है, लेकिन पूरे बिहार के शिक्षक अपनी मांगों को माने जाने तक हड़ताल में बने रहने के लिए संकल्पित हैं। हड़ताल जो किए हैं इसके बारे में क्या कहना है आपका? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के आह्वान पर चार दिनों से आज आंदोलन का चौथा दिन है। हम लोग समान काम समान वेतन, उसके बाद सेवा शर्त और जो अनुकंपा पर बहाली जैसे मांगों के लिए हम लोग लगातार 17 तारीख से संघर्षरत है। आज आंदोलन का चौथा दिन है और हम लोग जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम लोग जो है पूरी एकता से चट्टानी एकता से डटे रहेंगे। सर आपका परिचय? राजेश कुमार महतो। क्या है मामला? हम लोग बिहार राज्य संघर्ष समन्वय समिति के बैनर के तले जिला और प्रखंड में अपना धरना का कार्यक्रम कर रहे थे। जिला प्रशासन के द्वारा फर्जी FIR करके हमारे नेताओं को मुद्दा किया गया है, उसके विरोध में आज हम लोगों ने जिला और प्रखंड स्तर पर यह निर्णय लिया है कि आज हम लोग नीतीश कुमार के पुतला का दहन करेंगे। उनकी सरकार, उनके पदाधिकारी हम लोगों का दमन करना चाहती है। हम लोग इस दमनात्मक कार्रवाई से कतई डरने वाले नहीं है। जहाँ तक लड़ना होगा और हम अपना काम अपनी मांगे लेकर के रहेंगे। क्या नाम हो आपका? मेरा नाम गजेंद्र प्रसाद सिंह, सचिव जिला प्राथमिक शिक्षा संघ सुपौल और प्रखंड इकाई के हम संयोजक हैं। बैठे है, इसके बारे में क्या कहना है? बिहार राज्य शिक्षक संघर्ष समन्वय समिति के द्वारा ये जो आंदोलन चल रही 17 फरवरी 2020 से जो प्रस्तावित हड़ताल है, हम लोग इसका पूर्ण रूपेण तब तक हड़ताल में रहेंगे जब तक कि सरकार हमारी मांगों को मान नहीं लेती है। और हम लोग तब ये जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी सुपौल के द्वारा जो विभिन्न संघ अध्यक्ष मंडली के सदस्यों के ऊपर जो झूठा FIR दर्ज किया गया है, हम लोग इसको अविलंब वापस लेने की मांग करते हैं। और इसके लिए संभवतः आज ही हम लोग जो है सो जिला पदाधिकारी महोदय को भी एक ज्ञापन देंगे कि इसका जो है सो जांच करा करके अगर ये झूठी FIR है तो इसको जो है सो अविलंब वापस लिया जाए।